नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 7 विषय हिंदी पाठ 5 हिंद देश के निवासी देखेंगे। हम इस वीडियो में काव्य की समझूती और काव्य का गान देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आपने जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो और पास में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करो, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सुधी पहुंचती रहे। चलो अब हम शुरू करते हैं वीडियो का, इस काव्य का गान। मजा आया ना कविता सुनने में? तो अब हम इस कविता की समझूती देखेंगे।
हिंद देश के निवासी। इस कविता में हमें क्या दिखाई देता है, कविता में क्या समझने को मिलता है कि विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। भारत एक निराला देश है, यहाँ अनेक जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। यहाँ प्रकृति के भी अलग अलग रूप पाए जाते हैं। इतनी विविधता के बावजूद यहाँ एकता है, विविधता में भी एकता है, यहाँ सब लोग हिल मिल कर रहते हैं। इस कविता में हमारे देश का यही निरालेपन बताया गया है। तो चलो अब हम इसकी समझूती देखते हैं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। क्या कहते हैं कवि के भारत देश में रहने वाले सभी लोग कैसे हैं, अलग एक है। भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है, उनके रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो। कई लोग भाषा अलग है, किनकी पहनावा कपड़े पहनते वो भी अलग है, किनका रंग काला सफ़ेद या गोरा होता है वो भी अलग है, रूप में भी अलग है, लेकिन सब अलग अलग होते हुए भी वो सब भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक ही हैं। बेला गुलाब चूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। क्या कहते हैं कवि के बेला यानी मोगरा गुलाब चूही चंपा चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल जब माला में गूंथे जाते हैं तो एक माला बन जाती है। फूल चाहे कितने भी अलग हो लेकिन एक ही माला में गूंथे जाते हैं तब सब एक हो जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी हमारे सारे भारतवासी एक हैं। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। देखो क्या कहते हैं कवि कि कोयल की बोली निराली होती है, कोयल कू कू करती है वह निराला होता है। पपीहे की बोली में भी अपनी मिठास होती है, पपी यानी एक पक्षी है कि उसकी बोली में भी अपनी मिठास होती है। बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है, सब पक्षी का आवाज़ भी उसके कोयल की कूक है, पपीहे की टेर है, बुलबुल का गीत है, सबका अलग अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो पर उनका राग एक ही है। तो इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ भी एक ही होती है। अब आगे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी जाके मिल गए सागर में हुए सब एक। देखो क्या कहते हैं कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियाँ हैं, सब अपने अपने अलग अलग नदियाँ हैं, मगर सागर में यानी समुद्र में जब ये सब मिलकर एक हो जाती है, सब एक ही सागर में मिल जाती है। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक ही बना देता है। आगे क्या है कि धर्म है अनेक जिनका सार वही है, धर्म अनेक है जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक ही है। यहाँ क्या दिखाई देता है कि धर्म अनेक है पर उनका सार तत्व एक ही है, चाहे कितने भी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी चाहे कितने भी धर्म हो, लेकिन उनका सार उनका जो महत्व हमको दिया गया है वो एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं पर सबका ध्येय तो एक है, मनुष्य को उन्नत बनाना। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य भी एक ही है कि अपने देश की उन्नति करना। अब विद्यार्थी मित्रों अब यहाँ थोड़े शब्दार्थ हैं वो देख लेते हैं। कुक कुक यानी कोयल की आवाज़, पपीहा पपीहा एक पक्षी का नाम है, टेर टेर यानी पपीहे की पुकार, तराना तराना यानी गीत, पंथ पंथ यानी रास्ता,
निराला, निराला यानी अनूठा, और मंजिल, मंजिल यानी ध्येय। विद्यार्थी मित्रों, यह हमारा ये कविता की समझूती समाप्त होती है। आगे के वीडियो में मैं इस कविता का स्वाध्याय लेकर आऊँगी, आप देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।